सबको जय यीशु की। और फिर एक बार आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु का वचन को सुनने के लिए। और आज हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे विश्वास के बारे में। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से विश्वास के बारे में बहुत बार बातें की, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक ही उनसे सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो आज प्रभु हम सबों को इस सवाल को लेकर हम सबों से बातें करेंगे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। मुझे सवाल करना होगा, मेरा विश्वास कहाँ है। आपको सवाल करना होगा, आपका विश्वास कहाँ है। जहाँ हमारा विश्वास होगा अगर सही है तो बहुत कुछ संभव होगा हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और सब कुछ संभव हो जाता है विश्वास करने वाले के लिए। विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं होगा। विश्वास के अभाव में डर, भय, घबराहट, चिंता, समस्या, निराशा पैदा हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि विश्वास क्या है और हमारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की परिभाषा हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में, जहाँ लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। ये परिभाषा बहुत ही गहरी परिभाषा है जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ विश्वास वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने प्रभु के हृदय को स्पर्श करते हैं, और जब हम अपने प्रभु के हृदय को स्पर्श करते हैं प्रभु हमें स्पर्श करता है, वहाँ पर दैविक अनुभव होता है। यह है विश्वास। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस दुनिया का जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे, और उसकी स्थिर प्रतीक्षा है, और उस विश्वास में हम जीते हैं। वह हमें देखा नहीं है लेकिन हमें पता है कि हम एक दिन उस स्वर्ग में जाएंगे। वो स्थिर प्रतीक्षा है, स्वर्ग की एक प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, वह है विश्वास। और विश्वास उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। वो स्वर्ग नहीं देखा है, वो कैसा है, कितना सुंदर है, नहीं देखा है, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए उसके बारे में दृढ़ धारणा है हमें, और इस विश्वास को लेकर हम जी रहे हैं। बाइबल हमें बताता है इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। यानी कि विश्वास हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। विश्वास बहुत प्रकार से हो सकता है, और उस प्रकार को मैं दो अलग अलग प्रकार से समझाना चाहता हूँ। एक है भौतिक विश्वास, दूसरा है दैविक विश्वास। भौतिक विश्वास इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त एक दूसरे के बीच में आपस में जो भी हमारा रिश्ता है वो भौतिक विश्वास पर निर्भर है। भौतिक विश्वास को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई अचानक कोई परेशानी हुई, कोई बात हुई, या कोई बीमारी आई, और तुरंत आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। 10,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ गई और आपके पास 10,000 नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ से मिलेंगे। आप जब ज़रूरत है उस वक्त आप तुरंत आपके एक मित्र के पास या आपके गांव में किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, और आप उनसे बताते हैं, देखो भाई मेरे घर में ऐसी परेशानी हो गई है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप कृपया मेरी मदद करो, और जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको ये 10,000 रुपये लौटा दूंगा। आपकी बात को मानकर अगर मान लो वह व्यक्ति आपको 10,000 रुपये देता है, तब आप उस 10,000 रुपये को लेकर आते हैं, आपके मन में आपके दिल में एक विश्वास जागता है। क्या विश्वास जागता है? इस व्यक्ति के पास ज़रूरत में जाने से यह व्यक्ति बात को सुनता है, समझता है, और उदारतापूर्वक मदद भी करता है। एक विश्वास, यानी कि यहाँ पर आपने
तीन प्रकार के काम किए। आपने सबसे पहले उसके पास जाके 10,000 रुपये मांगे, उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने आपकी ज़रूरत को समझकर आपको 10,000 रुपये दिए। उसके बाद क्या हुआ, जब आप घर आए 10,000 रुपये लेके, आपके दिल में उस व्यक्ति के प्रति एक विश्वास जाग गया कि ये व्यक्ति ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है। मांगना पहले, मिलना बाद में, और विश्वास उसके बाद। यह है भौतिक विश्वास की प्रणाली। बहुत सारे लोग, भाइयों बहनों, आज भी ईश्वर के पास इस प्रणाली को लेकर चलते हैं, ईश्वर के पास अपने ज़रूरतों को लेकर मांगते हैं, प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दे दो, और इस बात को लेकर 1 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल प्रार्थना करते हैं। जब 1-2 साल प्रार्थना होगी तब तक मान लो, अगर उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रार्थना करना बेकार है और इससे कुछ लाभ नहीं है, प्रार्थना त्याग देता है, प्रार्थना छोड़ देता है। चाहे वो दूसरा कोई ज़रूरत क्यों ना हो, चाहे कोई किसी की बीमारी हो, लंबे समय से कोई बीमारी है और इंसान प्रार्थना करता है, मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक नहीं होती है, क्या होता है, उसका विश्वास ख़त्म हो जाता है। क्योंकि लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं समझते हैं कि ईश्वर के पास जब हम जाएंगे ये विश्वास की प्रणाली काम नहीं आएगी। ईश्वर के पास जब हम जाएंगे उस वक्त हमें दैविक विश्वास की प्रणाली की ज़रूरत है। दैविक विश्वास की प्रणाली यानी कि वहाँ पर भी तीन बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ पर है। पहली बात यहाँ पर यह है, सबसे पहले विश्वास, उसके बाद मांगना, उसके बाद मिलना। यानी कि इस दैविक विश्वास की प्रणाली को लेकर जब हम प्रभु के पास जाएंगे कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं होगी, क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति को स्वीकार करता है, अपनाता है। स्वयं प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा कहा है, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु का वचन कहता है, जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी नहीं टुकराऊंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 6:37, जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, ये बात प्रभु यीशु कहता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु के पास हम जाएंगे, विश्वास पहले, उसके बाद मांगना और उसके बाद मिलना। सबसे पहले विश्वास, यह दैविक विश्वास की प्रणाली। दैविक विश्वास की प्रणाली को जब जब हम प्रभु के पास जाएंगे निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और निश्चित रूप से हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और इस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझ लें कि हमें किस बात पर विश्वास करना चाहिए, किस प्रकार का विश्वास करना चाहिए, कौन सी प्रणाली को लेकर हम प्रभु के पास आना चाहिए। इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त भौतिक विश्वास की प्रणाली दिन प्रतिदिन के लेन देन में ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की बात आती है जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, हमें दैविक विश्वास की प्रणाली बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। बाइबल में एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, एक स्त्री जो 12 साल से रक्त स्राव के पीड़ा से पीड़ित थी और 12 साल से अनेक वैद्यों के पास गई, अनेक वैद्यों के पास जाके इलाज किया, अलग अलग प्रकार से उसने दवाइयां खाई, पैसे खर्च किए, समय बर्बाद किया, लेकिन वो स्वयं कहती है कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद आखिर में वो क्या कहती है, यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े का पल्ला भर भी चुने पाऊँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और यहाँ पर वो क्या कहती है, यदि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला भर भी चुने पाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। यानी कि वो क्या कहती है, मैं विश्वास इतना करूँगी, इतना करूँगी, इतना करूँगी, और मेरा विश्वास के द्वारा अगर उसके कपड़े का पल्ला भी चुने पाऊँ तो मैं ठीक हो जाओगे। देखिए विश्वास कितना दृढ़ विश्वास। सबसे पहले उसने विश्वास किया और दृढ़ विश्वास के साथ वह प्रभु के पास जाती है। पुरुषों से भरी हुई भीड़, इसलिए हिम्मत नहीं, पीछे से जाके यीशु के कपड़े का पल्ला छू लेती है। तुरंत उसका रक्त स्राव उसी क्षण सूख जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास पहले,
मांगना बाद में, मिलना और बाद में। यानी कि वह स्त्री सबसे पहले विश्वास करते हुए जाती है, उसके बाद अपने रोग के लिए मांगती है, यानी कि यीशु के कपड़े का पल्ला छूती है, उसके बाद तुरंत उसको उत्तर मिलता है, उसका रोग मिट जाता है। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है ईश्वर के पास इस विश्वास की प्रणाली को, यानी कि दैविक विश्वास की प्रणाली को लेकर हम जाएंगे, ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनवाई होगी। प्रभु हमें कभी नहीं टुकराएंगे, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेंगे, प्रभु हमें कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को याद रखें, जब हम प्रभु के पास जाते हैं हम दैविक विश्वास की प्रणाली को लेकर जाएं। जब दुनिया में जीते हैं भौतिक विश्वास की प्रणाली हमारे लिए काम आ सकती है, लेकिन ईश्वर के पास जब हम जाएंगे भौतिक विश्वास की प्रणाली को लेकर ना जाएं, हमारा काम नहीं होगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, अनसुनी रह जाएगी और हम निराश हो जाएंगे। इसलिए निराश होने से बेहतर ये है हम इस बात को समझें, ईश्वर के पास जाते वक्त हमें दैविक विश्वास की प्रणाली ज़रूरत है, जो कि सबसे पहले विश्वास, उसके बाद मांगना और उसके बाद मिलना। स्वयं प्रभु यीशु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है, जब उसका मित्र लाजरस मर चुका था, यौहन का समाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु वहाँ पर नहीं आए थे, नहीं थे, चार दिन के बाद जब प्रभु आते हैं, लाजरस के कब्र के पास जाके रोते हैं, और इस संदर्भ में उसकी बहन मार्ता कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता। और प्रभु यीशु उत्तर देता है, मार्ता यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। और मार्ता सोचती है अंतिम दिन के पुनर्जीवन की बात प्रभु कह रहे हैं, लेकिन प्रभु उसको समझाते हैं, मार्ता यदि तुम विश्वास करोगी इसी वक्त तुम ईश्वर की महिमा को देखोगी। और इस प्रकार से प्रभु वहाँ पर प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आप हमेशा मेरी प्रार्थना सुनते हैं। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, लाजरस बाहर निकल आओ। प्रभु क्या करते हैं, विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं। प्रभु कहते हैं, हे ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद प्रभु लाजरस से कहता है, जो मर के चार दिन हो चुके थे वो सड़ी गली लाश से, यीशु कहता है लाजरस बाहर निकल आओ, और लाजरस वसी वक्त वहीं के वहीं लाजरस बाहर निकल के आता है। और इस प्रकार से प्रभु स्वयं अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है, जहां विश्वास है वहां पर चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, वहां पर कार्य हो सकते हैं। प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं विश्वास जहाँ है वहाँ चिन्ह चमत्कार है, जिस प्रकार से प्रभु ने स्वयं वादा कर रखा है, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के अभाव में क्या होता है, इस बात को जानना ज़रूरी है। विश्वास के अभाव में क्या हो सकता है, इस बात को जानना ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 प्रसंग का 23-26 के प्रसंग में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में डर उत्पन्न हो सकता है। विश्वास नहीं है तो डर घबराहट उत्पन्न हो सकती है, इसलिए प्रभु उनसे पूछता, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो, यानी तुम्हारा विश्वास इतना छोटा सा है, इतना कम है, अल्प है, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो। इसलिए डर उत्पन्न होता है, विश्वास के अभाव में घबराहट उत्पन्न होती है। हम पढ़ते हैं विश्वास के अभाव में निराशा पैदा होती है, यौहन का सुसमाचार अध्याय 11 के प्रसंग में, जहां मार्ता निराश हो चुकी थी अपने भाई की मृत्यु के बाद, निराश हो चुकी थी, टूट चुकी थी, हताश हो चुकी थी, और उसने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा है, एकमात्र सहारा भाई था जो रोजी रोटी कमाता था, आज के दिन में कोई नहीं रह गया है। इस प्रकार से वह निराश थी, और निराश हताश उस मार्ता से प्रभु कहता है, मार्ता निराश नहीं होते, विश्वास करने वाले निराश नहीं होते, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस प्रकार से हम देखते हैं जहाँ विश्वास है वहाँ पर ईश्वर के द्वारा चिन्ह चमत्कार होता हुआ हम देखते हैं। विश्वास से क्या होता है, ये बात भी हमें जानने की ज़रूरत है। विश्वास आशा प्रदान करता है। हम देखते हैं 12 साल से बीमार स्त्री, रक्त स्राव की बीमारी से बीमार स्त्री, जिसके जीवन में आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं था, एक विश्वास नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊंगी,
सारे डॉक्टर लोग फेल हो गए, सारी दवाई फेल हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए, सारा समय बर्बाद हुआ, हुआ कुछ नहीं। जब हर जगह से वो हार चुकी थी, हर जगह से हारने के बाद वो निराश थी, हर जगह से हारने के बाद हताश थी, टूट चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, ऐसी स्त्री ने जब इस बात पर विश्वास किया कि यीशु के पास जाऊंगी और यीशु के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, भले डॉक्टर मुझे ठीक ना कर पाए, भले दवाई मुझे ठीक ना कर पाए, भले कोई मुझे सही ना कर पाए, यीशु मुझे ठीक कर पाएंगे, यीशु मुझे सही कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ जब वो प्रभु के पास जाती है, वो ठीक हो जाती है और उसके जीवन में आशा का किरण जाग जाता है। विश्वास से और क्या हो सकता है? विश्वास मुक्ति प्रदान करता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में, जहां कारापाल संत पौलुस से पूछता है, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और संत पौलुस कारापाल को उत्तर देते हुए बताता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु ईसा में विश्वास करने के लिए कारापाल को बताया गया, यानी कि यीशु में विश्वास करने से मुक्ति प्राप्त है, विश्वास के भाव में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, यानी कि विश्वास जरूरी है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए यीशु में विश्वास जरूरी है। बहुत बार जब मैं साधना देने के लिए अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, अलग अलग समुदाय के लोगों से पूछता हूँ, क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो? तो बोलते हैं, जी हाँ फादर जी, हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। तो मैं दूसरा सवाल उनसे ये करता हूँ, आप कौन से प्रभु यीशु में विश्वास करते हो? मैं ये पूछता हूँ, तब वो सोचने लगते हैं, क्या प्रभु यीशु दो हैं? तो मैं उन्हें समझाता हूँ, बहुत सारे लोग दो प्रकार के यीशु में विश्वास करते हैं। तो मैं बताता हूँ, एक प्रकार का यीशु वह है जो 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा माता मरियम के खोख में आए और 30 साल उन्होंने माता मरियम और यूसुफ के साथ जीवन बिताने के बाद 3 साल का प्रचार प्रसार का कार्य किया, लोगों के लिए सूली पर मरे, उस यीशु में विश्वास करते हैं, मैंने ये कहा। और एक यीशु वह है जो 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से माता मरियम के कोख में आया, 30 साल अपने माता पिता के अधीन रहा, 3 साल का प्रचार प्रसार का कार्य किया, लोगों के पापों की मुक्ति के लिए सब कुछ सहते हुए सूली पर मरा, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित हैं, आज भी हम सबों के बीच में हैं, जिसने वादा कर रखा है मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक तुम्हारे साथ हूँ, वो यीशु हैं। तो आप कौन से यीशु में विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम दूसरे, यानी कि जो मरने के बाद जो जी उठे उस यीशु में हम विश्वास करते हैं, वो बोलते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छी बात है, अगर हकीकत में आप उस प्रभु यीशु में विश्वास करते हो जो ईश्वर के एकलौते पुत्र हैं, जो माता मरियम के द्वारा इस धरती पर आए, जो इस धरती पर आके मनुष्यों के लिए मनुष्य के पापों के प्रायश्चित करते हुए सूली पर मरे, मरने के बाद जी उठे, उस यीशु में अगर आप विश्वास करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मुक्ति निश्चित है, आपकी मुक्ति पक्की है। और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में अगर हम आए, आपने अपने घरों में प्रभु यीशु का एक तस्वीर, एक फोटो रखा है और उस फोटो में आपने एक माला चढ़ा के रखा है, इसका अर्थ क्या है? आप मर चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपकी यादगारी में एक माला आपके लिए। और कहीं घरों में हम देखते हैं लोग इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इतवार का दिन प्रभु का पुनरुत्थान का दिन, प्रभु का पुनरुत्थान के दिन को जो मनाने के लिए, प्रभु का पुनरुत्थान का दिन को मनाने के लिए जो चर्च नहीं जाता है, जो मिस्सा में नहीं जाता है, तो क्या होता है? यही विश्वास करता है, मेरा यीशु जो सूली पर मरा है, सूली पर ही है, अब कुछ नहीं कर सकता है, वो पुनर्जीवित नहीं हुआ है, इसलिए इतवार के दिन को, उसके पुनरुत्थान के दिन को, पुनरुत्थान के पर्व को मनाने के लिए वो चर्च नहीं जाते हैं, मिस्सा में नहीं जाते हैं। इस प्रकार से हम कहने के लिए तो कहते हैं हम उस यीशु में विश्वास करते हैं जो मरने के बाद जी उठा, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्य ये व्यक्त करते हैं कि हम उस यीशु में विश्वास करते हैं जो सूली पर मरा है, अब मेरे जीवन में
कुछ नहीं कर सकता है। मैंने बहुत सारे युवक युवतियों के जीवन में देखा, बहुत सारे बच्चों के जीवन में देखा, क्या देखा, वो एक 1.5 रुपये का काला धागा अपने एक पैर में बांधते हैं। कुछ सालों से फैशन चला आ रहा है, लड़कियां ये काम किया करती थीं। बहुत सारे लोगों से पूछा, आप ये धागा क्यों बांधते हो? तो उनका उत्तर था, फादर जी आपको क्या पता? तो मैंने, मुझे पता नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बता तो दो क्यों बांधते हो। तो उन्होंने उत्तर दिया, ये धागा बांधने से हमको नज़र नहीं लगती। बाप रे बाप, ये काला धागा बांधने से नज़र नहीं लगती। तो मैंने कहा, 1.5 रुपया का धागा आपको बचा सकता है? वो प्रभु आपको नहीं बचा सकता। तो ना ना, धागा ही हमको बचाएगा। यानी कि विश्वास प्रभु यीशु पर जो मरने के बाद जी उठे, लेकिन हकीकत में विश्वास 1.5 रुपये के धागे पर। और आज के दिन में फैशन हर किसी व्यक्ति में है, हम लोग हकीकत में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु हमसे सवाल करता, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? उस धागे पर है या उस यीशु पर है? और इस प्रकार से बहुत सारे अन्य बातें अगर हम देखने जाएं, बहुत प्रकार से लोगों का विश्वास धुंधला पड़ चुका है, अल्प हो चुका है, कम हो चुका है, और इस प्रकार से लोग जीवन बिताते। इसलिए प्रभु सवाल करता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इसलिए आज के दिन में प्रभु हमें बताता है, हम इस बात को देखें, मेरा विश्वास कहाँ पर है? कहीं धागे पर तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ पर तो नहीं है, कोई वस्तु पर तो नहीं है, कोई एक तारीख पर तो नहीं है, कोई दिन पर तो नहीं है। बहुत प्रकार से लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो विश्वास प्रभु यीशु में करता है, उसी को मुक्ति प्राप्त है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु ने कभी नहीं कहा। प्रभु ने कहा, जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो सब कुछ कर पाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए भाइयों बहनों, हम विश्वास करके देखें क्या सब कुछ मेरे जीवन में संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस बात का विश्वास करके देखें। मैंने अपने स्वयं के जीवन में बहुत बार ऐसे अनुभव मैंने किए हैं जहां संभव हुआ है, अन्यथा देखा जाए संभव नहीं हो सकता था। प्रभु यीशु संभव असंभव को संभव बनाता है। अगर आप विश्वास करोगे, असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु हमेशा आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार है। इसलिए उस प्रभु से हम आज के दिन में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है, विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40, विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। हम निरंतर उस प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, निरंतर प्रभु की महिमा हम देखते जाएं। इस प्रकार से प्रभु हम सबों के जीवन में अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करता रहे। और इस प्रकार से हम सवाल करें आज के दिन में, मेरा विश्वास कहाँ है? जब प्रभु ने अपने शिष्यों को पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वो डर गए, घबरा गए, उनको मालूम नहीं था क्या कहें, क्योंकि प्रभु ने आंधी तूफान को भी आदेश दिया और वे इसकी बात सुनकर शांत हो गई। इसलिए जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, सब कुछ संभव हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें विश्वास का वरदान दिया, आप में विश्वास करने के लिए आपने हमें चुना है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत हो। मजबूती के साथ विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को पर्याप्त मात्रा में कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु निरंतर हम आपकी विश्वास के द्वारा आपकी महिमा कर सकें, आपकी महिमा देख सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।